जम्मू कश्मीर में भारी सुरक्षा के बीच जम्मू श्रीनगर हाईवे पर नगरोटा में सीआरपीएफ पोस्ट के पास आतंकवादियों की ओर से हुई फायरिंग के बाद जवाबी फायरिंग में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। हालांकि इस फायरिंग में सीआरपीएफ का एक जवान भी घायल हुआ है। बताया जा रहा है कि इन आतंकियों की साजिश आत्मघाती हमला करने की थी। आतंकवादी ट्रक में छिपकर घाटी में घुसने की फिराक में थे। उनकी कोशिश कश्मीर में प्रवेश करने की थी। अब तक 3 आतंकियों को ढेर किया जा चुका। सुरक्षा बलों ने घटनास्थल पर भारी मात्रा में हथियार बरामद किए हैं। जामिया में गुरुवार को हुई फायरिंग के खिलाफ दिल्ली पुलिस मुख्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने जबरन हटा दिया। छात्र घटना के बाद से ही पुलिस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस मुख्यालय के बाहर बैठे छात्रों को राजेंद्र नगर पुलिस थाने ले जाया गया। करीब 60 छात्र और छात्राओं को पकड़ा गया है। दिल्ली के जामिया में फायरिंग करने वाले नाबालिग के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने भारतीय दंड संहिता अनुसार धारा 307 और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही इस मामले की जांच दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को सौंपी गई है। पीड़ित छात्र शादाब की हालत भी अब स्थिर है। बजट सत्र की आज से शुरुआत हो गई है। बजट सत्र में हिस्सा लेने के लिए संसद भवन पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस सत्र में अधिकतम आर्थिक विषयों पर चर्चा होगी। वैश्विक आर्थिक स्थितियों में भारत कैसे फायदा उठा सकता है, इस पर भी बहस की जाएगी। वहीं विपक्ष अपील करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि वैश्विक परिवेश का अधिकतम लाभ भारत को कैसे मिले। हमारी सरकार की पहचान दलित, पीड़ित, वंचित, शोषित महिलाओं को सशक्त बनाने की कोशिश की है। संसद में संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि ये दशक भारत के लिए महत्वपूर्ण है। आजादी के 75 साल पूरे होंगे। हमें नए भारत का निर्माण करना होगा। मेरी सरकार के प्रयासों से पिछले 5 वर्ष में एक दशक को भारत का अच्छा दशक बनाने की नींव रखी जा चुकी है। देश का आम बजट शनिवार यानी 1 फरवरी को पेश होने वाला है। इससे पहले आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में आर्थिक सर्वे पेश किया। इस सर्वे रिपोर्ट में देश की अर्थव्यवस्था को लेकर कई अहम आंकड़े पेश किए गए हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि वित्त वर्ष 2020-21 में जीडीपी ग्रोथ रेट 6 से 6.5% के बीच रहेगी। जीडीपी ग्रोथ रेट को लेकर सरकार का यह अनुमान चालू वित्त वर्ष के मुकाबले 0.5 से 1% तक अधिक है। नागरिकता संशोधन एक्ट के मामले पर विपक्ष बजट सत्र में हमलावर होने की तैयारी में है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्षी पार्टियों ने संसद परिसर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। विपक्षी नेताओं ने हाथों में संविधान बचाओ की तख्ती ली हुई थी। इस दौरान विपक्ष के नेताओं ने जामिया फायरिंग का जिक्र करते हुए गोली मारना बंद करो के नारे भी लगाए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शनिवार को संसद में बजट पेश करेंगे। इस आम बजट से सभी को काफी उम्मीदें हैं। वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि हमेशा की तरह ये बजट भी अच्छा होगा और आम लोगों का बजट होगा। यूपी के जीडीपी ओपी सिंह आज रिटायर हो गए हैं। जीडीपी ओपी सिंह को शाही तरीके से पारंपरिक परेड के साथ विदाई दी गई। विदाई समारोह में ओपी सिंह ने कहा, पुलिस सेवा वरदान से कम नहीं। यूपी पुलिस का नेतृत्व करना मेरे लिए गर्व की बात है। यूपी पुलिस ने कई बड़े काम किए हैं। हितेश चंद्र अवस्थी यूपी के कार्यवाहक डीजीपी बने हैं। 1985 बैच के आईपीएस हितेश चंद्र अवस्थी की गिनती ईमानदार अफसरों में होती है। हितेश अवस्थी 13 सालों तक सीबीआई में भी रह चुके हैं। दिवसीय गंगा यात्रा का समापन आज कानपुर के अटल घाट पर हुआ। बिजनौर और बलिया से होकर कानपुर आने वाली गंगा यात्रा का स्वागत अटल घाट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद किया। सीएम योगी ने अटल घाट पर गंगा पूजन और आरती की। उत्तराखंड में हरिद्वार में गंगा सफाई से जुड़ी मांगों को लेकर अनशन कर रही साध्वी पद्मावती को पुलिस ने जबरन उठा दिया है। पुलिस ने स्वास्थ्य कारणों के चलते साध्वी पद्मावती को अनशन पर से उठाया है। इसके बाद पुलिस ने साध्वी पद्मावती को अस्पताल में भर्ती कराया। बता दें कि साध्वी पद्मावती गंगा सफाई से जुड़ी अपनी 6 मांगों को लेकर मारुति सदन परिसर में पिछले 47 दिनों से अनशन पर हैं।
विधायक हरीश धामी के देहरादून में बीजेपी के नेताओं से मिलने की खबर ने राजनीति में नए संभावनाओं को जन्म दिया है। मुंबई में पार्टी से नाराज चल रहे कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की। धारचूला से लगातार चुनाव जीतने वाले हरीश धामी की नजदीकियों के बाद कांग्रेस में बेचैनी बढ़ गई है। वेतन में इजाफे समेत कई मांगों को लेकर बैंक आज से दो दिन की हड़ताल पर है। हड़ताल का असर भारतीय स्टेट बैंक समेत कई सार्वजनिक बैंकों पर पड़ेगा। भारतीय बैंक संघ ने अपनी मांगें पूरी नहीं होने से हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। बलरामपुर में बैंक कर्मियों ने दो दिवसीय हड़ताल शुरू कर दी है। बैंक कर्मचारियों ने LDM कार्यालय पर ताला लगाकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने केंद्र सरकार और IBA के विरोध में नारेबाजी की। बैंक कर्मी वेतन समझौते की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं। देहरादून में बैंक कर्मियों ने अपनी 12 सूत्रीय मांगों के साथ हड़ताल शुरू कर दी है, जिसके तहत आज तमाम बैंक कर्मी परेड मैदान में एकत्रित हुए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बैंक कर्मियों की हड़ताल के चलते बैंक लगातार 3 दिन तक बंद रहेंगे और करोड़ों के कारोबार को नुकसान होने के अंदेशा है। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद के मोहम्मदाबाद इलाके में 23 बच्चों और महिलाओं को घर में बंधक बनाने वाले आरोपी को पुलिस ने मार गिराया है। 10 घंटे की मशक्कत के बाद सभी 25 बच्चे मुक्त कराए गए। आरोपी की पत्नी की भी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। ऑपरेशन मासूम में शामिल पुलिसकर्मियों को सरकार द्वारा 10 लाख रुपए के इनाम की भी घोषणा की गई है। ऑपरेशन मासूम में सबसे बड़ी जानकारी सामने है। फर्रुखाबाद में 23 बच्चों को बंधक बनाने वाला सिरफिरा शख्स सुभाष बाथम बच्चों को छोड़ने के लिए फिरौती मांग रहा था। बदमाश हर बच्चे के बदले 1 करोड़ रुपए की मांग कर रहा था। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में एक शख्स द्वारा बंधक बनाए गए बच्चों को आजाद कराने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने CM योगी आदित्यनाथ और UP पुलिस की तारीफ की है। अमित शाह ने ट्वीट में लिखा, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में बंधक बनाए गए सभी बच्चों को पुलिस द्वारा अपनी कुशल रणनीति व योजना से सुरक्षित छुड़वाना प्रशंसनीय है। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उत्तर प्रदेश पुलिस को बधाई देता हूं। CAA, NRC और NPR के विरोध में पूरे देश में हिंसा का माहौल व्याप्त है। ऐसे में कानपुर सहित कई अन्य जिलों में CAA और NRC के खिलाफ हिंसा भड़काने वाले PFI पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। PFI पर कानपुर के बाबूपुरवा और यतीम खाना में हिंसा भड़काने का आरोप है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और सरधना विधायक संगीत सोम देववंद के भैला एक पारिवारिक समारोह में आए हुए थे। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरजिल इमाम जैसे के बारे में अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि ऐसे लोग जो देश का बंटवारा करने की बात करते हो, देश को तोड़ने की बात करते हो, उन्हें चौराहे पर खड़ा करके फांसी के फंदे पर लटका देना चाहिए और गोली मार देनी चाहिए। देवभूमि उत्तराखंड में किसी भी जिले या नियाक क्षेत्र को स्टॉलर हाउस से बंद कराने का अधिकार अब सरकार के पास होगा। अभी यह अधिकार नियाकों के पास था। राज्य की बीजेपी सरकार इस फैसले को अमल में लाने को अध्यादेश लाएगी। CM त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जानकारी देते हुए कहा कि उत्तराखंड सरकार अपनी जिम्मेदारी से हट नहीं हो सकती, इसलिए सरकार ने प्रतिबंध लगाने का अधिकार अपने पास रखा है। देहरादून के नगर निगम में हाउस टैक्स को लेकर 25% की छूट 31 जनवरी तक ही रखी गई है। इसके अलावा 15 फरवरी तक हाउस टैक्स जमा कराने की भी नगर निगम ने अंतिम तारीख रखी है। मेयर सुनील उनियाल गामा के अनुसार 22 करोड़ के लगभग अभी तक टैक्स आ चुका है, 50 करोड़ का लक्ष्य है। उनके अनुसार नए वार्डो को लेकर भी हम फैसला ले रहे हैं। कुमाऊं का प्रवेश द्वार हल्द्वानी, जहां पर्यटक के साथ साथ स्थानीय लोग आए दिन जाम में फंसे रहते हैं, इसी के मद्देनजर पुलिस जल्द ही अपनी यातायात व्यवस्था में बदलाव लाने जा रही है। शहर में जाम से चौराहे को मुक्ति दिलाने के लिए अतिक्रमण हटाया जाएगा, बल्कि मंगल पड़ाव से डिग्री कॉलेज तक सड़क के बने कट बंद किए जाएंगे। इसके अलावा रोड रिफ्लेक्टर और रबर ब्रेकर समेत रेड लाइट का इस्तेमाल किया जाएगा। विकासनगर में विद्यालय का भवन पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। छत लगातार गिर रही है। खतरनाक हो चुके विद्यालय के भवन से किसी तरह के जान माल का नुकसान न हो, इस डर से यहां बच्चों को स्कूल के आंगन में पढ़ाया जा रहा है।
खनन माफियाओं के राजस्व टीम का जानलेवा हमला करते हुए गोलियां बरसाई। इतना ही नहीं, कार से टक्कर मारकर नायब तहसीलदार को जान से मारने की कोशिश भी की। खनन के खिलाफ अभियान में कोसी नदी से खनन करती पकड़ी गई जेसीबी से नाराज होकर खनन माफियाओं ने राजस्व टीम पर यह हमला बोल दिया। बागपत जनपद में देर रात दो अलग अलग कोतवाली क्षेत्र में पुलिस और गौ तस्कर के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान 25-25 हजार के दो इनामी तस्कर घायल हो गए, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही इनके दो साथियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रामनगर के बैलपोखरा आर्य समाज मंदिर के पास खेत में एक जली हुई लाश मिली है। शव मिलने से गांव में हड़कंप मच गया है। बॉडी किसकी है पुलिस ये पता लगाने की कोशिश में जुट गई है। अलीगढ़ में कुएं की सफाई करते वक्त बड़ा हादसा हो गया है। थाना गंगीरी में बढ़ारी बुजुर्ग गांव में सफाई के दौरान 30 फीट गहरे कुएं में किसान दब गया। सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। किसान का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। फिरोजाबाद के थाना पिचौरखरा में अवैध रूप से चल रहे ट्रक और बसों से महीनेदारी लेने का वीडियो वायरल हो रहा है। एसओ पचोखरा की गाड़ी में बैठकर हेड कांस्टेबल का वसूली करते हुए एक वीडियो सामने आया है, जिसे सिपाही रात में चलने वाले ट्रकों, प्राइवेट बसों और डंफरों से रिश्वत ले रहे हैं और ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। सीतापुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहां बारात से वापस आ रही एक कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे स्थित एक दीवार से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दीवार और कार के परखच्चे उड़ गए, जिसके बाद कार में सवार तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि एक मासूम समेत तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मेरठ में पुलिस की वर्दी पहनकर डकैती डालने वाले छेमार गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है। गिरोह में शामिल चार महिलाओं समेत नौ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से डकैती का माल भी बरामद किया गया है। पुलिस ने इनके पास से कई फर्जी आधार कार्ड भी बरामद किए हैं। हरिद्वार में एक ट्रक और महिंद्रा पिकअप की जबरदस्त भिड़ंत में आठ लोग घायल हो गए हैं, जिसमें चार लोगों की हालत काफी सीरियस है। महिंद्रा पिकअप देहरादून से डोईवाला की तरफ जा रहा था। सांबल के नामी डॉक्टर मनीष कुमार वर्षोणीय की सड़क हादसे में मौत हो गई। हादसे में डॉक्टर समेत उनके ड्राइवर की भी मौत हो गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने टक्कर मारने वाले ट्रक की तलाश शुरू कर दी है। आगरा के ताजमहल के पूर्वी गेट के पास एक पेड़ में अचानक लगी आग से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। सहारनपुर के एक कोल्ड स्टोर में भयंकर आग लग गई, जिसके बाद फायर सर्विस ने अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। कोल्ड स्टोर में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। चमोली जिले के भारी बर्फबारी के चलते मौसम का मिजाज खूबसूरत हो गया है। वहीं पाना ईरानी क्षेत्र में भारी बर्फबारी से एक खूबसूरत तस्वीर निकलकर सामने आई है, जिसमें बच्चों की मस्ती को आप साफ देख सकते हैं। बच्चे बर्फ के बीच खेलते हुए नजर आ रहे हैं। बर्फ के गोले बनाकर बच्चे एक दूसरे पर फेंक रहे हैं और इस बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। पहाड़ों की रानी मसूरी में जनवरी में अब तक पांच बार बर्फबारी हो चुकी है। वहीं चारों धाम समेत सभी पर्यटक स्थल भी इस वक्त बर्फ में ढके हुए हैं। लगातार हो रही बर्फबारी से औली में होने वाली स्काइकिंग चैंपियनशिप का भी रास्ता साफ है। साथ ही सरकार और खिलाड़ी भी खासा उत्साहित दिखे। हल्द्वानी डीआईजी ने मानवता की मिसाल पेश की है। डीआईजी जगत राम जोशी ने 10 जरूरतमंद गरीब परिवारों को महीने भर का राशन बांटा है। और यही नहीं, इससे पहले भी उन्होंने शहर के जरूरतमंद लोगों को राशन सामग्री बांटने का काम किया है, जिससे गरीब परिवार के चेहरे पर भी खुशी आई और खिल गए हैं। और पूरे कुमाऊं मंडल में उनके इस कदम की सराहना की जा रही है। यूरोपीय यूनियन से ब्रिटेन की विदाई के लिए मंजूरी मिल गई है। शुक्रवार को ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन से बाहर होने जा रहा है। ब्रेग्जिट से दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर की असर का पड़ सकता है।
यूरोपीय संसद में मार्च में नागरिकता संशोधन कानून पर वोटिंग करवाने का फैसला किया है। ऐसे में ठीक उससे पहले फरवरी में विदेश मंत्री एस जयशंकर यूरोपीय संघ के देशों की यात्रा पर जाएंगे, बल्कि उसके मार्च में पीएम मोदी भी बलसोर जाएंगे। इटली में कोरोना के डर से एक क्रूज पर सवार 6000 यात्री फंस गए। इटली में यात्रियों से भरे एक क्रूज को इसलिए पोर्ट पर रोक दिया गया क्योंकि उसमें सवार एक चीनी दंपत्ति ने तबीयत खराब होने की शिकायत की थी। इसके बाद क्रूज में सवार अधिकारियों को डर हो गया कि दंपत्ति को कोरोना वायरस का संक्रमण हो सकता है। चीन में खतरनाक कोरोना वायरस के संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर 213 हो गई है और इससे करीब 9692 लोगों की संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चीन में फैले इस वायरस को अंतर्राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर दिया है। जनवरी महीने के आखिरी दिन शुक्रवार को पेट्रोल और डीजल की कीमत में एक बार फिर कटौती दर्ज की गई है। देश की राजधानी दिल्ली के अलावा कोलकाता और मुंबई में पेट्रोल 9 पैसे जबकि चेन्नई में 10 पैसे लीटर सस्ता हो गया है। वहीं डीजल की कीमत दिल्ली में 10 पैसे, कोलकाता और चेन्नई में 8 पैसे जबकि मुंबई में 9 पैसे प्रति लीटर कम हुई है। आज वेलिंगटन में इंडिया न्यूजीलैंड का चौथा मुकाबला खेला जा रहा है। सीरीज में विजयी बढ़त बनाने के लिए बाद भारत न्यूजीलैंड का सफाया कर सीरीज जीतने के इरादे से मैदान पर उतर चुका है। वहीं न्यूजीलैंड अपनी शर्मनाक हार से बचने के लिए मैदान पर उतरा है। भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल ने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार जीत लिया है। यह पुरस्कार शानदार प्रदर्शन, सामाजिक सरोकार और अच्छे व्यवहार के लिए दिया जाता है। द वर्ल्ड गेम्स ने विश्व भर के खेल प्रेमियों द्वारा 20 दिन के मतदान के बाद गुरुवार को विजेता की घोषणा की है। प्रीति जिंटा आज 31 जनवरी को अपना 45वां जन्मदिन मना रही है। आज वो 45 साल की हो गई है। फिल्म इंडस्ट्री में डिंपल गर्ल के नाम से मशहूर प्रीति जिंटा इन दिनों फिल्मों से दूर है। प्रीति की अंतिम फिल्म भैया जी सुपरहिट थी। हालांकि आईपीएल के दौरान वह अक्सर अपनी टीम किंग्स इलेवन पंजाब का उत्साह बढ़ाते हुए नजर आ जाती हैं। करण जौहर अब एक बार फिर अपने प्रोडक्शन हाउस की फिल्म भूत के जरिए लोगों को डराने के लिए करण के धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बनी पहली हॉरर फिल्म भूत पार्ट 1 द हॉन्टेड शिप का पहला टीजर सामने आ गया है। सामने आए टीजर में विकी कौशल टॉर्च लेकर शिप में नीचे की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां उन्हें दीवारों पर खून के सनी हथेली के निशान नजर आते हैं। आप भी देख सकते हैं इस फिल्म का ये टीजर।